हे गाइस, तो अभी हम आए हैं छत में और छत में दिखाते हैं आपको हमारी छत में क्या क्या सब्जी हुए हैं। और फिलहाल मैं मेथी भाजी तोड़ने के लिए आई हूँ, कुछ कुछ तोड़ ली हूँ और वीडियो बनाने भूल गई थी, तो दिखाते हैं आप लोगों को और कितना हुआ है मेथी भाजी और क्या क्या भाजी अभी तक हुआ है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ का तोड़ लिया है, यहाँ पर उतना अच्छा नहीं हुआ है मेथी भाजी। और ये देखिए, यहाँ का कुछ कुछ मैंने तोड़ लिया है और ये तोड़ने वाली हूँ, तोड़ते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और मैं पूरा जड़ से नहीं उखाड़ रही हूँ, क्योंकि अभी फिर उखाड़ूँगी, फिर काटना छाटना होगा, तो फिर एक ही बार में तोड़ के ही कर रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। और मैंने इतना सारा तोड़ लिया है, देखिए ये है फ्रेश ऑर्गेनिक मेथी भाजी, और मैं इसे आज रात में बनाने वाली हूँ। और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे टमाटर है और मैं टमाटर नहीं तोड़ूँगी, क्योंकि थोड़ा दिन पहले ही तोड़े थे, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और देखिए यहाँ पे टमाटर वगैरह भी हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे छोटा छोटा हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ये भी मेथी भाजी है देखिए। और यहाँ पर भी है मेथी भाजी, यहाँ पर भी है मेथी भाजी, और यहाँ पे नींबू का पौधा है। और देखिए यहाँ पे छोटा छोटा नींबू हो रहे हैं, ये पौधा फर्स्ट बार फल दे रहा है। और इधर में देखिए टमाटर, इधर में भी देखिए टमाटर। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोग के उधर में ठंडा कितना है, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा इधर ठंडा है और एकदम गला बैठ गया है, सर्दी वर्दी लग गया है। देखिए यहाँ पे सामने इतना सुंदर फूल, देखिए कलर भी कितना मस्त है। गाना है नदी नदी घुमा ले बिंग साग तुरा ले भौजी रे चुनु मुनु छवा के कदू लुटा ले, उसका ऑपोजिट गाऊंगी। छत छत घुमा लो, छत छत घुमा लो, क्या साग है, नहीं नहीं छत छत घुमा लो मेथी साग तुरा लो, ऐज मोए सोप के ई बना के खिया लो। मेरे को नहीं आता है गाना ये सब, तो फटाफट तोड़ते हैं, गाना वाना कुछ नहीं गाते हैं, बकवासबाजी बंद करते हैं, क्योंकि शाम भी होने वाला है। और देखिए मैं फटाफट तोड़ रही हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिए, मैंने इतना सारा मेथी साग तोड़ लिया है, और इससे मैं अब आलू के साथ बनाने वाली हूँ, और देखते हैं कितना बनता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन हो जाएगा, आलू डाल के मिक्स करके बना लेंगे। तो आप लोगों को कुछ कुछ दिखाती हूँ, यहाँ पे छत में कुछ कुछ होने उगाए हैं उसको। तो देखिए ये है आलू, सुने हैं इसका भाजी भी खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया है, लेकिन ये है आलू, आलू का भाजी। और यहाँ पे लाल आलू लगाया हुआ है, देखते हैं, ये वाला बास्केट में लगाया है, ये वाला उसमें लगाया हुआ है, और ये भी खा। और यहाँ पे जो करेला है ये बहुत खिलाया, मैं एक वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अभी भी कुछ कुछ है, ये है, ये देख सकते हैं यहाँ पे करेला हुआ है। और करेला तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, जो हुआ था वो खा लिया है, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और कुछ कुछ दिखाते हैं, सरसों भाजी का भी दिखा लेती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये है, देखिए यहाँ पे सरसों भाजी, जो कि इतना सुंदर दिख रहा है, एक बार का तोड़ के खा दिए और नेक्स्ट टाइम फिर से हो रहा है, पत्ती पत्ती तोड़ के खाए थे दोस्तों, और फिर से हो रहा है यहाँ पे सरसों की भाजी। और सामने है ये है आलू, जो कि इसका भाजी कल या परसों खाने वाले हैं हम लोग, और आपको मैं बताऊंगी कि कैसा लगता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा इस आलू के भाजी को खाना, और कैसा लगता है बताऊँगी। बोलते हैं इसे खाना बहुत अच्छा लगता है बोल के बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं खाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं खा के बताती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है बोल के। तो और दिखाते हैं कुछ कुछ। तो दोस्तों ये रहा नींबू का पौधा, और देखिए यहाँ पे कितना सारा नींबू हुआ है, और जो कि इसमें पत्ते नहीं है, ये नींबू छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रस होते हैं इसमें। Thank you.
दोस्तों यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ आपको, ये है सरसों भाजी जो कि अभी खाने लायक नहीं हुआ है, जो पहले दिखाई थी उसमें खाने लायक हो गया। ये छोटा छोटा सरसों भाजी है, सब में पूरा भरा पड़ा है, ये अभी छोटे छोटे है, जब होगा तब आपको दिखाते हैं, तोड़ते हुए वीडियो बना के दिखाएंगे, अभी तक बड़ा नहीं है। चाइना भाजी और उसके बगल में इतना सुंदर फ्लावर देखिए, इतना सुंदर क्यूट सा वाइट कलर का फ्लावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर भी है हमारे छत में, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सुबह सुबह उठ के आओगे और ये सब चीज़ को देखोगे तो मन अलग ही खुशी प्रकट होता है अपने चेहरे पे। और यहाँ पे है लक्की, क्या कर रही है लक्की? ये है पपीया का पेड़, लेकिन अभी तक फल नहीं दिया है, इसमें फूल फूल रहा है, लेकिन कैसा वाला, ये ऐसा वाला फूल फूल रहा है जिसकी वजह से फल अभी तक आया नहीं है, फल देखते हैं कब आता है फल। और क्या बताएं, ये हमारा छत का टूर है जो कि छोटा मोटा सब्जी जगाए हैं, और तो कुछ नहीं अभी तक, कुछ कुछ खा लिए हैं और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो सबको मेरा छत का सब्ज़ी और फल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारा कमेंट करिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय, सबको थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।